पंडित जी क्या करना चाहेंगे? सावन का पहला दिन है, क्या महत्व है सावन में? भोलेनाथ का पूजन करते हैं, दुग्ध अभिषेक से, जल अभिषेक से, पंचामृत से। भोलेनाथ का जो अभिषेक होता है, इससे बहुत ही लाभ होता है। जीवन में अनेक प्रकार की जो बाधाएं दूर होती हैं और आगे उन्नति का मार्ग खुलता है। किस तरह की मनोकामना? जैसे अब लोग जो सोमवार पड़ते हैं, इसमें शादी के लिए मनोकामनाएं करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। और जैसे भी व्यापार वृद्धि, रोग पीड़ित ग्रस्त, उनके लिए सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण होते हैं। लोग सावन में पूजा समझ नहीं पाते, किस तरह करें, क्या पूरा तरीका होता है किसी पूजा होने का? तरीका ये है कि यदि वो नहीं ज़्यादा समझ पाते तो कहते हैं जल ले आए, थोड़ा सा दुग्ध मिला करके भोले बाबा को स्नान कराएं, बेलपत्र पुष्प इत्यादि मिल जाए, धूप दीप से आरती करें। कहते हैं समस्त बाधा दर्शनम बिलपत्र स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संगारम बिलपत्रम शिवार्पणम। एक बिलपत्र के दर्शन मात्र करने से और दर्शन हो जाए और भोले बाबा पर चढ़ जाए, इससे बड़ा लाभ क्या है? किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे सावन के महीने? हम यही सभी भक्तों से यही अनुरोध है कि श्रावण है, खूब भोले बाबा की पूजा अर्चना करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।